जहरीली धुंध पूरे खित्ते पर अपने पंजे गाड़ने लगी। पाकिस्तान, भारत और चीन के बाद ईरान भी शदीद स्मोक की लपेट में आ गया। तालीमी इदारों पर ताले पड़ गए, रेत और बजरी की सनअतें बंद कर दी गईं। ईरानी दारुलहकूमत तेहरान इन दिनों शदीद जहरीली धुंध की लपेट में है, जिसके बाद स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, जबकि रेत और बजरी की सनअतों को ताले लगा दिए गए हैं और शहर में भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी का इतलाक कर दिया गया है। फिजाई आलूदगी में इजाफे के बाद ऑड इवन ट्रैफिक स्कीम नाफिज की गई है, जिसके तहत जुफ्त नंबर की गाड़ियां जुफ्त दिनों में जबकि ताक नंबर की गाड़ियां ताक तारीखों में चलाई जाएंगी। ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्कीम से इस्तेस्ना हासिल दिया गया है। ऑड इवन स्कीम पहली बार दुनिया के किसी मुल्क में मुतारिफ नहीं करवाई गई, बल्कि ये स्कीम सबसे पहले अमरीका में गैसोलीन के बहरान के दौर में अपनाई गई थी, जिसके बाद भारत में भी स्कीम से इस्तेफादा हासिल किया गया, जिसके बाद अब ईरान में फिजाई आलूदगी में कमी के लिए स्कीम को मुतारिफ करवाया गया है।